أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں In the name of Allah, the most gracious and most merciful, honorable respected teachers and guests, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Eid Miladun Nabi. The life of all Prophet sallallahu alaihi wasallam is open book for us. But the main thing is spent on life as mentioned in the book. The book is Quran Pak. There is every solution for every law, every diseases. Honorable guest, respected teacher and my dear school fellows, Assalamu alaikum. The topic of my speech is our country Pakistan. Pakistan came into our country name is Pakistan. Pakistan came into being on 14 August 1947. Pakistan is an Islamic country. Pakistan is a country of fruit and flower. I love my country. I am proud of my country very much. Thank you. Both my principal sahiba ustaz grammar mein hum maktab se aati hu. Assalamu alaikum. Pakistan Pak Fauj Shukriya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है कहो कि अल्लाह एक है अल्लाह बेनियाज है ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर उसानी नहीं इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल सरवर को नैन का सानी कोई देखा नहीं बता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं कि ये मासेह जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे आज मारेगा ये उसका वहम होगा कैसे हाब मारेगा रैन रैन गोवा वे कम्मा कैन नटर डेल इटर जॉनी वन सुप्लेयर शहीदों के लहू से जो ज़मीन शराब होती है शहीदों के लहू से जो ज़मीन शराब होती है बड़ी जरहेज होती है बड़ी शैदाब होती है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آنکھوں کا تارا نام محمد दिल का उजाला नाम है मोहम्मद ये परचमों में अजीम परचम
अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा प्यारा परचम। त्रेट मरी अली ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, तो नाज़रीन आइए इनसे इनके तालीमी इदारे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी मैडम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ टीचिंग कर रही हूँ? मैं यहाँ तकरीबन हो गया मुझे पाँच साल से मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, और पहले 2 साल में तो मैं असिस्टेंट रही हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद मुझे ये वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटी दी गई। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? एक्सपीरियंस माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है। जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स फेस मुझे करने पड़ते हैं तो प्रिंसिपल की कोऑपरेशन से वो क्लियर हो जाते हैं। तो कहाँ तक है ये? ये सेकेंडरी लेवल तक हो गया है, कॉलेज लेवल तक हो गया है, पहला हमारा मैट्रिक लेवल तक था। तो आपका जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ जो है, उन मतलब उनके बारे से बताएं कि उनकी तालीम। जी यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है, यहाँ पे तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं आप? मैं क्लास 3 की टीचर हूँ। ये स्कूल जो है सेकेंडरी लेवल तक है, इंटरमीडिएट तक इसकी क्लासेस चलती हैं, स्कूल एंड कॉलेज दोनों इसमें आ रहे हैं। आप कब से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। यहाँ की जो प्रिंसिपल है हमारी, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। पहले ये स्टार्ट में जो था वो एफ ए लेवल तक होता था टीचर्स का, जो जो कॉलेज लेवल तक आया हमारे पास बी एस सी लेवल तक टीचर्स भी जो है वो यहाँ पे आ रही हैं और ईमानदारी से जो है अपना काम कर रही हैं। अच्छा ये बताएं कि पढ़ाना मुश्किल है या आसान? मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन उसको आसान बनाना हमने अपने तरीके से होता है। छोटे बच्चों को ज़्यादा मेहनत होती है या बड़े को पढ़ाना? छोटे बच्चों को होती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं क्योंकि फ़ौरन से भी करते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत आहिस्ता से करते हैं, तो ज़्यादा समझाना और कुछ को प्यार से लेके चलना पड़ता है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसलिए। अच्छा मैडम, ये दही एरिया जी बिल्कुल कहा जाता है, तो यहाँ पे बच्चों के जो वालदैन हैं जी, तो क्या तालीमी हवाले से अवेयरनेस है उन्हें? जी हम उनको साथ साथ गाइडलाइन, जो कोरोना वायरस की वबा फैली थी जी बिल्कुल, तो आपके स्कूल की उस टाइम क्या पोजीशन थी? स्कूल में हमारे लिए काफ़ी टाइम ये सेशन था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो ज़्यादा जो थी इससे मुतासर हुई है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो थे वो बच्चों को स्कूल में जो बाज़ का हम लोग बीच में सिलेबस के लिए बुलवाते थे उनको, किसी के पास जो था ये सिस्टम होता था नेट का व्हाट्सएप का, और किसी के पास नहीं होता था तो हम उनको रिटर्न फॉर्म में सिलेबस भी भेजते थे और कुछ व्हाट्सएप करते थे। अच्छा मैडम, क्या समझते हैं कि व्हाट्सएप पे पढ़ाया जा सकता है वैसे? ये हमारे लिए मुश्किल है ज़्यादा, क्योंकि जो क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर जो आप लोग हर चीज़ को क्लियर कर रहे होते हो बच्चों को, जो आप लोग फेस टू फेस पढ़ा रहे होते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। अल्लाह ना करे कि आइंदा कोई ऐसी मतलब वबा या कोई ऐसी पोजीशन आए जी, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी पोजीशन आती है तो आप हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देती हैं? मैं यही कहूँगी कि अभी देखें सोशल मीडिया का जो ये दौर चल रहा है, तो इससे छोटा बड़ा हर बंदा जो है वो अवेयर है, तो जो हमने पहले जो प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया है, तो हमारे लिए यह आसानी है आइंदा वक्त में हम उसको कैसे जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम्स को कैसे एहतियात के तौर पर लेके चल सकते हैं। छोटे बच्चे भी एहतियात करें, बड़े भी एहतियात करें, और हुकूमत से मैं यही कहूँगी कि कुछ ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए जिससे पढ़ाई बच्चों की मुतासर ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो भी इशू हो उस पर ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई को लिया जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ अच्छा जो फ्यूचर में उनका एक मुस्तकबिल होगा, एक बेहतरीन शहरी बन सकते हैं, और जो हमें जिन अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है तो वो पढ़ाई के ज़रिए हो सकती है। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे जो है वो पढ़ाई से हट जाएंगे, जो सीखना चाहते हैं जो बनना चाहते हैं वो उससे हट जाएंगे, तो लिहाजा कुछ ऐसे जो है वो स्टेप्स लिए जाएं ताकि पढ़ाई उससे फोकस ना हो, उससे मुतासिर ना हो। बच्चों के वालदैन को क्या मैसेज देती हैं? बच्चों के वालदैन को मैं यही कहूँगी कि कुछ भी ऊँच नहीं आती है, जैसे कि पढ़ाई के हवाले से कुछ भी, जाहिर है जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स चले हैं तो हमने सब ने उनको मिलके फेस करना होता है, तो टीचर्स जो भी हमें यहाँ मैसेज हम उनको दे रहे हों तो उसको लेके चलें, उसके साथ हमारे साथ जो है कोऑपरेट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो मिलके ही सॉल्व होता है। जी बहुत शुक्रिया।